कवि लोग परिहास में काफी महिलाओं के लिए कुछ बातें की, आप अन्यथा मत लेना। से परिवार आए हैं कई लोग, देखो देर रात तक बैठ करके सुन रहे हैं, अच्छा लगता है। और शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। हम भले ही उसको धन्यवाद न दें, उसके आभार प्रकट न करें, ये अलग बात है, वो हमारी गृहस्थता है। वो पति ने डींग हांकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। एक दिन एक पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। एक दिन मैंने भी मेरे पिताजी से कहा, मैंने कहा, पापा मैं दिखता हूँ, ये दीदी इतनी गलती करती है, इसको तो आप कुछ भी नहीं बोलते हो। मेरे पिताजी ने 250 साल पुराना डायलॉग चिपकाया, छोड़ बेटा, एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। मैं बोलता हूँ, हम छोरों को भी भेजो पराए घर, हम भी हमारा टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों की परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। दुनिया की हर पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पर मरे। जब मरता है तो बोलती हैं, कहीं और जाकर मरो, और जब कहीं और जाकर मरता है तो बोलती है, कहां मर गए थे। बैंक वाले, इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला, बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। वो आजादी के दीवाने इसीलिए फांसी पे झूले थे, ऋग्वेद से चले थे, हनुमान चालीसा तक आ गए। कवियों ने, ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ खुद को ऊंचा उठाने के लिए रचे थे, वो दूसरों को नीचा दिखाने के काम आ रहे हैं। जिन नेताओं को अपने घर में, जिन सांसदों विधायकों को अपने घर में संविधान पढ़ना चाहिए, वो दूसरों के घर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते। मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा 20 रुपए दे। अच्छा, कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए सब है ही नहीं हमारे यहाँ। हाँ। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा, क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा, चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला, तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? जब हम देखते हैं मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह, गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष करता है। प्रधानमंत्री कदम ताल भी करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। वाह 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 वाह। वो टेलीविजन चैनलों पर आप बहस देखते हो, अमूमन 4 जन बहस ही आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। क्या कहने हैं संपत जी, वाह वाह वाह। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। मैंने बताया टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे तो कमाल हैं। पर आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले, क्या हर वक्त टीवी देखते रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, जरा बाहर जा बालकोनी में, देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले, अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले, बहुत अच्छे। बोले, वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले, बहुत अच्छे।
बोले शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में है। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकोनी में खड़ा है।